आशा रेसिपी चैनल। आज हम महाराष्ट्रीय स्पेशल कोथिंबीर वड़ी बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो मैंने लिया है 1.5 कप चने का आटा लिया है, उसे अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। इसके साथ 3 टेबल स्पून चावल का आटा और 2 टेबल स्पून सूजी, बारीक वाली सूजी इस तरह से लिया है। इसे हम मिक्स कर देते हैं। टेस्टी ऐसी स्पाइसी इस तरह से हम बना रहे हैं। इसके साथ लिया है मैंने धनिया, इसे अच्छी तरह से 3-4 पानी से धो के फिर इसे कॉटन के कपड़े से सुखा के फिर इसे इस तरह से मैंने पूरे पत्ते ले लिया है और इसे थोड़ा काट लिया है, पूरा नहीं काटा है, तो इस तरह से मैंने ले लिया है। तो ये एक पूरी जूड़ी है, इस तरह से मैंने लिया है। अभी इसमें जो मैं सामग्री डालने वाली है, तो ये जो लहसुन है, आपके पास ये हो गए तो ये इसका टेस्ट बहुत बढ़िया सा लगता है। ये पत्ते वाला लहसुन, तभी ये लहसुन मिलता है, तो मैं इसमें लहसुन लिया है। इसके साथ 1/2 इंच जिंजर अदरक इस तरह से लिया है और 3 हरी मिर्च इस तरह से मैंने इसका अदकचरा पेस्ट बना लिया है। अभी ये हमने जो आटा है वो मिक्स कर दिया है, इसमें अभी हम सामग्री 1 बाय 1 करके डालते हैं। पहले हम इसमें जो इस तरह से अदकचरा किया हुआ है लहसुन अदरक और लाल हरी मिर्च वो डाल देते हैं। इसके साथ स्वादानुसार नमक, आप जैसे भी खाते हो उसी हिसाब से आप डाल सकते हो। तिल, तिल से भी बढ़िया सी टेस्ट आती है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो हरी मिर्च बढ़ा सकते हो, आपको जैसे भी पसंद है इसी हिसाब से आप डाल सकते हो। साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून जितना जीरा इस तरह से हमने डाल दिया है। तब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है। सूजी, और सूजी जो हमने डाली है इसे क्रिस्पी भी आएगी और जो हमने चावल का आटा दिया है इसे भी क्रिस्पी ज़बरदस्त आएगी। तो इस तरह से हमने इस मेजरमेंट से लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और उसके बाद हमें इसे कोथिंबीर डालनी है। अभी मिक्स कर दिया है तो अभी हम इसमें कोथिंबीर डालते हैं। इसमें 1/2 चम्मच शक्कर भी डाल देते हैं, बहुत बड़ी टेस्ट आएगी इसलिए। अभी इसे मिक्स कर दिया है तो इसमें हम जो कोथिंबीर ली है वो हम डाल देते हैं पहले, और उसके साथ अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि कोथिंबीर में हमने धोई है, सुखाई है, फिर भी उसमें मॉइस्चर होता है, तो हम पहले पानी डालने की जल्दी नहीं करेंगे, तो पहले अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं और बाद में हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा ढीला भी नहीं बनाना है। ढीला बनाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, अगर टाइट होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, तो हमें अच्छी तरह से मेजरमेंट से करना है। तो मैं पहले अच्छी तरह से इसे दबा दबा के अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। अभी कोथिंबीर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम एक डो बनाते हैं इस तरह से। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है पानी। वापस थोड़ा पानी यूज करेंगे। अभी इस तरह से हमने डो बना लिया है, थोड़ा सॉफ्ट है, तो इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। इस तरह से थोड़ा डाल देते हैं और इसके बाद इसे थोड़ा मसल लेते हैं। बिल्कुल हमारा वड़ी करने के लिए रेडी है, तो अभी हम आगे का प्रोसेस करते हैं। इस तरह से हमने गोला बना दिया है। अभी इस तरह से हमने डिश बना दी है, तो इसे हमने ऑलरेडी तेल लगा दिया है, तो इसे हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से गोला रख देंगे और इसे इस तरह से सेट कर देंगे। आपके पास जैसे भी होगी उस तरह से आप कर सकते हो। अच्छी तरह से हमें सब जगह से इसे सेट करना है। इस तरह से हमने सेट कर दिया है, तभी हम ऊपर से थोड़ा तिल डाल देते हैं। दिखने भी अच्छी लगेगी और खाने में भी बढ़िया सी लगेगी।
और उसे दबा देते हैं इस तरह से। इस तरह अच्छी तरह से ज़बरदस्त बन गया है। अभी हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस को मैंने पहले ऑन करके गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। अभी इसमें यह डिश हम रखेंगे। अभी हमने पानी गर्म करने के लिए रखा है, पानी हमारा उबल रहा है, तो इसी स्टेप पे हम ये इसे रख देते हैं जो हमने डिश बनाई है वो, और इसे हम ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। इस तरह से हम फोक लेंगे और इसे इस तरह से हम करेंगे। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, परफेक्ट तैयार हो गया है। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं और जो दूसरा थोड़ा बचा हुआ है वो डाल देते हैं। अभी इसके हम पीस कर देते हैं इस तरह से। गर्म है तो गर्म में अच्छी तरह से हो जाएगी। इसे आप शेलो फ्राई करिए या फिर डीप फ्राई करिए, आपको जैसे भी पसंद है। आपके घर में जैसे खाते उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं इसे शेलो फ्राई करूँगी। इसे मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, इसके बाद मैं शेलो फ्राई करती हूँ। अब इसके हमने पीस भी बना लिया है, तो इसे ठंडा हो जाने के बाद हम एक एक पीस उसका निकालेंगे और शेलो फ्राई करेंगे। ये ठंडा हो गया है तो इसके इस तरह से पीस निकल रहे हैं। आपको मैं पास से बताती हूँ कितना बढ़िया सा लग रहा है। अभी हम शेलो फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने पैन रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है, तो इसे मैं पहले तेल डाल देती हूँ। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं और वन बाय वन करके हम पीस डाल रखेंगे उसमें। दोनों तरफ से हम क्रिस्पी करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इस तरह से पीस किया है तो हम एक एक रखेंगे। और मैंने मीडियम आंच कर दी है इस तरह से, और इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से हम क्रिस्पी बनाएंगे, ब्राउन होने तक इसे करेंगे। बहुत बढ़िया से टेस्ट आएगी। आप नाश्ते में खाओ या शाम को अगर भूख कम होगी तब आप खा सकते हो उसके टोमेटो सॉस के साथ, कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ आप इस तरह से खा सकते हैं। अभी इसे एक साइड पे हम होने देते हैं। अभी इसे हम पलटाते हैं, एक एक करके पलटाएंगे। इस तरह से बढ़िया सी हो रही है क्रिस्पी। इस तरह से मैं सभी पलटा लेती हूँ। हमारी कोथम्बीर वड़ी दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीख गई है ब्राउन होने तक, तो इसे हम अभी निकाल लेते हैं। इस तरह से मैंने सब निकाल ली है। अभी इसे सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। अभी इसे सर्विंग प्लेट में हम रखते हैं। कितनी बढ़िया सी लग रही है आपको मैं बताती हूँ। एकदम क्रिस्पी है, खाने में मज़ा आएगा। इस तरह से क्रिस्पी कोथम्बीर वड़ी हमारी तैयार हो गई है। मैं आपको बताती हूँ, मस्त। इस तरह से कोथम्बीर वड़ी बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोथम्बीर वड़ी जरूर बना के देखिए, नाश्ते के साथ खाइए या जब भूख कम होगी तभी भी खाइए, बहुत टेस्टी आती है। एक बार आप बना के जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखिए कि किस तरह से आपने बनाई है और मैंने कैसे बनाई है। इस तरह से भी आप देख सकते हो। धन्यवाद।